दिसंबर 2016 की यह एक सच्ची घटना है जब एक हमारे एक दोस्त को प्रेत आत्मा ने जकड़ लिया था। उस वक्त हम लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी का रोल था कि आप उस कंपनी में रहकर उसकी ट्रेनिंग को अटेंड करना, जो नए नए गेस्ट आ रहे हैं उनको ज्वाइन कराना, उनको ट्रेन करना कि और आप डायरेक्ट सेलिंग कैसे कर सकते हो। तो हम लोगों ने एक रूम लिया था, हमारी लगभग 8 या 10 लोगों की टीम थी और वो एक हॉस्पिटल था, हमने उस वक्त उस रूम लिया था। और उस ठंडी रात थी, 2 दिसंबर में कितनी ठंडी होती है आपको पता है, हम आज भी याद है, लगभग 11 बज रहे थे और हम लोग ज़मीन पर सोए हुए थे। लगभग एक मैं था, मेरा दोस्त था, उसके बाद और मेरे कलीग थे और अचानक एक लड़का उस वक्त बिहार का था, वो लेटा हुआ था और अचानक उठता है और बहुत तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, पूरा जैसे पहलवान लोग लड़ते हैं चीखते हैं। और वो जाके दरवाजे में हाथ से मुक्का मारने लगा पूरी तरह से और कहता है कि मैं मार डालूंगा इसे, मैं पूरी, जब तक मार डालूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। हम लोग अचानक उठे और सबके पैर कांप रहे हैं। उस वक्त मेरे साथ रहते थे अमित मिश्रा जी, वो उनसे मैं जूम पे बात किया था तो उन्होंने उसमें बताया था। तो जब ये बात हुई तो समझ में आया यार हो क्या गया, सब अचानक उठ के देख रहे हैं हो क्या गया, क्योंकि वो दूसरे जो रूम था वहाँ के भी लोग चले आए, वो बाहर से हैं और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि जाके दरवाज़ा खोल दें और ये निकल जाए। और हम लोग एक कोने में जो है बैठ गए, जाके खड़े हैं सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं क्या हो गया। फिर उसमें से एक हिम्मती था, मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, एक हिम्मती था, वो वहाँ से उठा ऐसे आया और वो जाके दरवाजे को बहुत तेज़ हींचा। जैसे इस ये हींचा तैसे जिसको जिसके ऊपर ये आत्मा सवार हुई थी वो बहुत तेज़ी से उस निकला, वो आजम से याद है, वो ऐसे निकला और वो पश्चिम की तरफ जो उस हॉस्पिटल का गेट था, पहले वो हॉस्पिटल था लेकिन वो अब जहाँ पे हम लोग रहते थे वो घर था तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे निकल के और जो गेट पूरा एक गेट बनाया गया था उसका होता है और एक लगभग 5 या 6 फीट की दीवार थी और वो जब गेट नहीं खुला तो उस दीवार से कूद गया और सड़क की ओर भागने लगा। फिर सारे लोग उसके पीछे दौड़ पड़े, उस वक्त किसी को ठंडी नहीं लग रही थी क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो रही थी। फिर सब लोग गए और उसको पकड़ कर लेकर आए तो वो सिर्फ एक ही बात कहता, मैं इसे मार डालूंगा। लोग कंफ्यूज थे कि करें तो क्या करें, इतने सारे लोगों में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसको सही से उठा के बैठा दें या उससे बात करें। किसी तरह से सब लोग पकड़ के लाए थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। फिर आगे क्या होता है कि उसमें से एक पंडित जी थे, लगभग बहुत हट्टे कट्टे जवान थे, वो फैजाबाद अयोध्या के थे उस वक्त। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूछा बैठा के कि तुम कौन हो, उसने कहा, बस वो कुछ देर तक तो कहता ही नहीं, उसको घूरता रहता, मैं इसे मार डालूंगा, सिर्फ एक ही बात कहता। और वो पूछते रहते बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए। तो जब ऊपर जब मकान मालिक भी रहते थे तो वहाँ से उन्होंने अगरबत्ती मंगाई और जब सुलगाया तो वो ऐसे ऐसे झूम रहा है पूरी तरह से और सब लोग डरे हुए हैं। बस एक दूसरे, जब सारे लोग हो गए, सब 20-25 लोग हो गए, उस टीम के भी लोग आ गए, हर तरह के हर और दूसरी टीम के भी लोग आ गए, तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आया, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसे ऐसे बैठा दिया गया, अगरबत्ती उसने जला के, वो जो पंडित जी थे पूछ रहे हैं कौन हो तुम, क्या चाहिए, बस वही कहता है मैं इसे मार डालूंगा। तो कुछ देर ऐसे मोड़ी हिलाता रहा, थोड़ा शांत हो गया, उसके बाद में उसने कहा मुझे पानी पिला दो। तो वो कह रहे हैं तुम जाने के लिए क्या क्या करोगे, क्यों आए हो यहाँ। तो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ कहता है मुझे पानी पिला दो। फिर धार ऐसे लोटे में इकट्ठा करके उसमें ले जा करके डाल करके और उसको दिए, थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया। उसके बाद में जब वो शांत हो गया, उस वक्त उस रात किसी को नींद नहीं आई, सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में से, लगभग सुबह मैंने देखा कि लगभग 7-8 लोग उस कंपनी को छोड़कर चले गए, कहे कि अब मुझे किस काम ही नहीं करना है, जान रहेगी तो रहेगा, उस रात की घटना को छोड़कर चले गए। उसके बाद में जब हम लोगों ने पता किया पूरे डिटेल्स में, पहले मुझे हम लोगों को पता नहीं था कि वो हॉस्पिटल था एक्चुअली और उसमें एक नहीं कम से कम 10-12 लोग मर चुके थे, उस वजह से वहाँ उनकी आत्माएँ वहाँ पर जो है
घूम रही थी, इसकी वजह से इसको अचानक पकड़ लिया था और फिर ये प्रॉब्लम किया था। तो जब हम लोगों को पता चला तो उस वक्त हम लोग शायद भाड़ा भी नहीं दिए थे और हम लोगों ने उस वक्त सामान निकाला और दोपहर के बाद से वहाँ खाली करके हम लोग कुंडा से सीधा कहीं दूर जाके एक रूम था किसी पार्टनर, वो भी किसी दूसरी टीम थी, उसमें हम लोग उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो और लोग काम करते थे उनके पास चले गए, वहाँ पे रहे। उसके बाद हम लोगों ने पूरा ज़िला छोड़ दिया, फिर हम लोग चले गए यहाँ रायबरेली, यूपी का ही एक ज़िला है, वहाँ पे रह के काम करना शुरू किया। लेकिन सच बताऊँ तो वो एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी जो शायद नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद से उस मेरे जो टीम के लोग थे, जो मेरे सीनियर्स थे उस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, उस कंपनी में, उन लोगों के अंदर एक डर सा आ गया और धीरे धीरे जो लगभग 40-50 लोगों की टीम थी वो धीरे धीरे टूटती गई और लगभग 10 लोग रह गए। और लगभग एक साल बाद मैं भी वहाँ से निकल आया और वो एक जर्नी थी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मेरे साथ हुई थी। इसका खुलासा मैंने कभी नहीं किया था जो इस चैनल पे अपने कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी होती हैं। आजकल तो मैं सुन रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है, स्कैम हो रहा है, बहुत सारी लालच में देकर प्रमोशन की वजह से बहुत सारा ब्लैकमेलिंग भी हो रहा है। अभी मैं अपना एक लास्ट वीडियो बनाया था कि आप मेरा जो 2 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था उसमें मैंने क्या किया और कैसे होता है नेटवर्क मार्केटिंग, आपको क्यों इस स्कैम से बचना चाहिए, आपको लालच से क्यों बचना चाहिए, इस पर मैंने पूरे डिटेल्स में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। और इसको देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास ऐसी कोई कुछ कभी घटना हुई हो जो आत्मा से रिलेटेड हो, आपको लगता है कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं, तो आप ज़रूर बताइए इस पर। मैं तो गांव का हूँ तो मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं इससे भूतों से रिलेटेड हुई हैं, तो आपके साथ कौन सी हुई है कौन सी नहीं बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा यार। भूत प्रेत आत्माएं मुझे तो बहुत इंटरेस्ट होता है इसमें जानने के लिए और कई बार मैं आत्माओं से इन सबसे पाला पड़ चुका हूं, तो मैं ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। वो घटना मेरी ज़िंदगी सबसे डरावनी घटना थी जो उस वक्त हुई थी। अगर उस वक्त कोई ना होता और मैं और वो होता तो शायद मैं उसी वक्त मर जाता, क्योंकि किसी के साथ हो यार, आप फर्क नहीं पड़ता कि आप एक लोगों के साथ हो 10 लोगों के साथ हो, अगर कोई एक भी आत्मा अगर आ जाए, एक भी लोगों के साथ जो है ये ब्लैक मैजिक ब्लैक चीज़ें होने लगे तो सब लोग डर जाओगे। तो ऐसा होता है। आपके साथ कोई घटना अगर हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए और हम लोग उस पर बात करेंगे अच्छे से चैनल पे। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। राम राम सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।